चेहरी क्लास वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा और आपके मिनरल्स के बारे में। अब पढ़ेंगे आपके पोषण के अगला एलिमेंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी और आपके जो होते हैं एग्जाम के लिए भी हाई स्कूल और बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहले जाएंगे विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स ठीक, तो विटामिन्स क्या होते हैं सबसे पहले देखेंगे। जो विटामिन होता है आपका दो वर्डों से मिलकर बना होता है। विटामिन आपका दो वर्डों से मिलकर बना होता है, बीटा प्लस मिन। बीटा को बोला जाता है जीवन या सजीव, मिन का मतलब होता है आधार। ठीक, तो विटामिन को क्या कहेंगे, विटामिन जीवन का भौतिक आधार होते हैं। ठीक, ये दूसरी चीज देखा जाए तो पहले विटामिन को बोला जाता था विटामिन। ठीक, तो जब पहले तोड़ते थे तो इसको इससे तोड़ते थे, बीटा प्लस एमाइन। ठीक, एमाइन का मतलब क्या होता था, एमाइन आपका NH2 ग्रुप होता था, इसी से बनना था आपका विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या होता है, विटामिन जीवन का भौतिक आधार होते हैं या विटामिन आपके वो होते हैं जिसमें पहले बोला जाता था विटामिन वो होते हैं जिसमें आपका NH2 ग्रुप पाया जाता है, लेकिन बाद में देखा गया था ऐसा सारे आपके विटामिन के साथ नहीं होता है, इसीलिए विटामिन को क्या कहा गया, जीवन का भौतिक आधार कहा गया, आपका जीवन का आधार कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो विटामिन होते हैं, विटामिन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं विटामिन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने कल बता दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, जिनमें आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो मतलब आपके विटामिन क्या होगा, विटामिन में कार्बन पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। ठीक, अब क्वेश्चन आता है जब ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते नहीं तो हम इनको ग्रहण क्यों करें। तो कॉमन सी चीज है, जिसका उपयोग नहीं होता उसका, जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं उसका हम उपयोग क्यों करें। तो ये क्या होता है, ये हमको ऊर्जा नहीं देते हैं लेकिन शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। जितने भी आपके जैविक क्रियाएं होती हैं, जितने भी आपके शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, इनको क्रियाओं को संचालित करने के लिए, संचालित करते हैं। ठीक, जितने भी आपके शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं उसको विटामिन क्या करते हैं, संचालित करते हैं। अब जैविक क्रिया क्या होती है, जैविक क्रिया में आपका आगे जैसे पाचन, पोषण, श्वसन, ये सब आपकी कौन सी क्रिया होंगी, जैविक क्रिया होंगी। ठीक, इन सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए आपका विटामिन आवश्यक होता है। इसका दूसरा नाम भी होता है, इनको बायो कैटालिसिस या जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक, ये किसी चीज को डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली उस चीज को करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो होता है आपका विटामिन। फिर नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बड़ा अपवाद है चीजों में ध्यान देंगे आप लोग, विटामिन की खोज। जो विटामिन है तो क्वेश्चन आता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसमें कई कई आप बुके पढ़ोगे, कहीं फंक दे रखा है तो कहीं आपका हॉपकिंस दे रखा है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, आपकी विटामिन की खोज जो की थी एन आई लूनिन ने विटामिन की क्या की थी, खोज की थी। कब की थी, 1881 में। तो याद रखेंगे एन आई लूनिन ने विटामिन को खोजा था, खोजने के बाद क्या होता उसको उसके बारे में ये नहीं जान पाए। फिर जो आता आपका विटामिन शब्द, ठीक, तो विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक, तो वो आपके वैज्ञानिक थे फंक। कौन से वैज्ञानिक थे, फंक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था 1911 में। ठीक,
विटामिन की खोज एनआई लोने ने 1881 में की। विटामिन शब्द का प्रयोग आपके फंक ने 1911 में किया। एनआई लोने ने खोज 1881 में की और फंक ने 1911 में इसका आपका क्या लिया था, शब्द का नाम लिया था। फिर आता है हॉपकिंस का, आपका नाम क्यों आता है, तो जो विटामिन थ्योरी थी, विटामिन की थ्योरी थी, विटामिन के सिद्धांत थे, उसको आपका जो दिया था वो थे आपके कौन से वैज्ञानिक, वो थे आपके हॉपकिंस। हॉपकिंस कब दिया था, 1912 में। ठीक, तो इतना आप लोग ध्यान रखें, विटामिन की खोज की थी एनआई लोने ने 1881 में, विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया 1911 में, विटामिन थ्योरी दी हॉपकिंस ने 1912 में। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, एमसी कुलम मैकुलम भी बोला जाता है इनको, कहीं कहीं मैकुलम भी बोला, मैकुलम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आपका विटामिन होता है ठीक, इसको घुलनशीलता के आधार पर दो वर्ग में बांटा था। एमकुलम ने क्या किया था, इन्होंने घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा था। ठीक, तो ये चार पॉइंट आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपका है विटामिन शब्द का, विटामिन की खोज एनआई लोने ने 1881 में की, जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने 1911 में किया। विटामिन थ्योरी आपके हॉपकिंस ने 1912 में दी। 1913 में कब, ये भी लिख लेंगे आप लोग, 1913 में मैकुलन ने घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा। ठीक, इतना क्लियर। अब पढ़ेंगे आपके विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। तो आप लोगों को याद होगा विटामिन किसके आधार पर बांटे जाते हैं, तो ऊपर लिखा है विटामिन के प्रकार। तो विटामिन को जो बांटा था एमसी कुलम ने, वो घुलनशीलता के आधार पर बांटा था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील, एक विटामिन होते आपके वसा में घुलनशील, एक होते हैं जल में घुलनशील। ठीक, वे विटामिन जो आपके फैट में घुले वो होते वसा में घुलनशील, जल में घुले वो आपका जल में घुलनशील हो जाएंगे। तो आपका यहाँ हमने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया है, आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे हमने एक ट्रिक बताई थी कीड़ा, तो आपका कीड़ा कहाँ घुला था, तो आपका कीड़ा घुला था वसा में, तो ये वसा में हो गया घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ठीक, कीड़ा आपका कहाँ घुलता है, वसा में, तो आपके विटामिन ए डी ई के कहाँ घुलनशील है, वसा में। बाकी बचे आपका विटामिन बी एंड सी, ठीक, ये दोनों कहाँ घुलनशील है, आपके जल में। ठीक, फिर यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपके में कौन से विटामिन है जो शरीर में स्टोर हो जाते हैं, ठीक, जो शरीर में संग्रहित होते हैं, तो आपके वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, शरीर में संग्रहित होते हैं, शरीर में संग्रहित होते हैं। ठीक, मतलब इनको हमारा लीवर जो होता है ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो एक क्वेश्चन आता है वे कौन से विटामिन है जो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे आपके विटामिन ए डी ई के जो होते हैं, या वसा में जितने घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, और आपके जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये आपके शरीर में स्टोर नहीं होते, इनको आप ग्रहण करेंगे, उसके बाद बाय यूरिन या बाय स्वेट ग्लैंड इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतना एक बार कैसे देख लेते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना, बीटा प्लस मिन, बीटा का मतलब होता है जीवन, मिन का होता है आधार, तो विटामिन क्या होते हैं, जीवन का आधार, या बीटा से आप एक चीज और याद रखेंगे, बीटा से होता है आपका वाइटल, बीटा से क्या होता है वाइटल, वाइटल का मतलब होता है जैविक। तो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन वे पदार्थ होते हैं जो जीवन की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा
नहीं देते हैं, लेकिन जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करने में मदद करते हैं। मतलब जैविक क्रियाएं पाचन पोषण और श्वसन, इनका दूसरा नाम जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन की खोज एन आई धोनी ने 1881 में की थी, जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने 1911 में किया था। विटामिन थ्योरी आपके हॉपकिंस ने 1912 में दी थी, और 1913 में एमसी कुलम या मैकुलम ने घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा था। कौन से? एक होते थे वसा में घुलनशील, दूसरा होते थे जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील था कीड़ा, तो ए डी ई के आपका वसा में घुलनशील है, और जल में आपको बचा बी एन सी आपका जल में घुलनशील है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा आपने, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं। किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो हमने बताया था आपको कल कि आपका स्टोर हाउस शरीर के किस अंग को कहा जाता है? यकृत को। तो यकृत में ये वसा में घुलनशील विटामिन संग्रहित होते हैं। बाकी आपके बी और सी आपके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिनकी मात्रा आवश्यकता नहीं होती है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलिए। अब पढ़ेंगे एक एक विटामिन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, ठीक। तो एक एक करके बहुत कार्य सब लोग पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन आपके वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपके वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? तो सबसे पहला विटामिन होता है आपका विटामिन ए। आप लोग ध्यान से पढ़ते चले, एक एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में इससे बाहर का आपका कभी भी कोई क्वेश्चन आना नहीं है, ना ही आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो विटामिन ए सबसे पहले लिखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिना, इसकी भी अभी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिना होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम, ठीक। इनका कार्य क्या होता है? इनका पूछा जाता है वर्क क्या होता है, विटामिन ए का वर्क क्या होता है? तो ये आपके फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी के निर्माण में क्या करती है आपकी, ये मदद करती है। इसके अलावा आपका डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आपके डब्ल्यूबीसी जो होती है इम्यूनिटी, आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करती है। तो आ जाए अगर शरीर की इम्यूनिटी कौन सा विटामिन प्रदान करता है, तब भी आप लगाएंगे विटामिन ए, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा कार्य होता है, तो आप लोग सबको पता है विजन का, देखने का, मतलब ये हमारी आंखों के लिए, आंखों को देखने में क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद अब आंखों में आ गए, तो आंखों में आपको पता होना चाहिए दो प्रकार की आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आंखों में आपके दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होती है कॉर्न सेल, कॉर्न सेल, ठीक, जिनको बोला जाता है आपका शंकु कोशिकाएं, ठीक। उसके बाद दूसरी होती है रॉड सेल्स, जिन्हें बोला जाता है सलाका कोशिकाएं, ठीक। शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी? कॉर्न सेल और रॉड सेल्स, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है, तो देख लें, जो कॉर्न सेल होती है ये आपके उजाले के समय देखने में मदद करती है, उजाले के समय ये आपका क्या करती है? देखने में मदद करती है। और ये केवल आपके दो चीजें पहचानती है, ठीक, या तो ये पहचानेगी व्हाइट, ये सब उजाला है, या ब्लैक, या अंधेरा है, ठीक। और ये रॉड सेल्स जो होती है आपके रात के समय आती है, रॉड सेल का उपयोग रात के समय के लिए किया जाता है। रॉड सेल जो होती है आपके रात में काम करती है, और ये आपके कलर को पहचानने में मदद करती है। कलर को पहचानने में क्या करती है? मदद, विभिन्न प्रकार के रंगों को, हरा, नीला, पीला, इसको पहचानने में जो आपको मदद करती है कौन सी होती है? रॉड सेल्स होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो दोनों में अलग अलग प्रोटीन पाई जाती है, याद रखेंगे आप लोग प्रोटीन। तो इनमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो जो आपका रॉड सेल इसमें पाई जाती है ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन ये पाई जाती है आपका कहां पाई जाती है? कॉर्न सेल्स में, और आपके इसमें पाई जाती है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन ये प्रोटीन पाई जाती है आपकी रॉड सेल्स में, आरफा रॉड सेल्स, आरफा रात में, ठीक, आरफा रोडोप्सिन।
ये इतना याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये आपका रोडोप्सिन का वर्ग क्या होता है, आपका जो रोडोप्सिन होता है रोडोप्सिन करता क्या है। तो आपका जो रोडोप्सिन होता है ये आपके फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, जो आपके आंसू होते हैं आंसुओं को बनाने में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स। मतलब अगर शरीर में आपके रोडोप्सिन की कमी हो गई, रॉड सेल्स में दिक्कत आई तो आपके आंसू नहीं निकलेंगे। देखा होगा आप लोगों ने कई लोग रोते बोलते हैं मुंह फाड़ फाड़ के आ करके रोएंगे, लेकिन होता क्या है उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते, आवाज ज्यादा निकलती है। वो किस कारण से, क्योंकि उनके शरीर में रोडोप्सिन की मात्रा क्या होती है घट जाती है, जिसके कारण आपका आंसुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। इसके अलावा आपका आ जाते हैं आपका इससे जो रोग होते हैं, ठीक दीदी जो डिसीज होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले डिसीज होती है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा रतौंधी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना भी होगा पढ़ भी रखा होगा। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं रतौंधी सर जी हमको रात में लाइट चली जाती है उसके बाद नहीं दिखता है। तो भैया ये नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो जब रात हो जाती है तो किसी को नहीं दिखता है, आपको ही नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आपका जब शाम होने लगती उतने समय उनको नहीं दिखाई देता, उसको बोला जाता है रतौंधी। इसके अलावा दूसरी बीमारी होती है आपकी, बहुत बड़ा नाम है, जीरो फैथेलेमिया। फैथेलेमिया याद रखेंगे, रतौंधी में क्या होता है आपको शाम के समय दिखाई नहीं देता है ज्यादा दूर का। फिर आता है जीरो फैथेलेमिया। जीरो फैथेलेमिया में होता क्या है, तो जीरो फैथेलेमिया में आपके आंखों में सूखा बना जाता है। जब जीरो फैथेलेमिया हो जाएगी तो देखते हो गए आंखों में सूखा पन। कुछ लोग ज्यादा रो देते हैं तो आंखें कड़ी कड़ी गड़ने लगती हैं। लोग कह रहे हैं आंखें गड़े लगी, अरे देख वो इतना रो दिए तो उसकी आंखें गड़ रही हैं, या माँ ऐसे ऐसे करके फैलाते रहते हैं लोग, तो आंखों में सूखा पन आ जाता है। क्यों आ जाता है, आपके टीयर्स जो होते हैं आंसू होते हैं इनकी क्या हो जाती है कमी। जब आपके शरीर में किसी आपके लिक्विड पदार्थ की कमी आ जाएगी वो आपस में क्या करेगी कंट्रेक्शन करेगी, जिसके कारण रगड़ होगी, और वो आपका क्या किसके किस बीमारी में होता है जीरो फैथेलेमिया में होता है। उसके बाद आता है आपका एक और बीमारी जिसको बोला जाता है कोरोनियल सिरोसिस। कोरोनियल सिरोसिस क्या होती है, तो नाम से पता चला कोरोनियल, कोरोनियल मतलब कोरोना, सॉरी कोरोना नहीं, कोरोनियल मतलब कार्निया। तो जो आपका कार्निया होती है इसमें कार्निया डिफेक्ट होती है, जिसके कारण आपका अंधापन आ जाता है, लोग अंधे हो जाते हैं। तो आपका अंधे होने का कारण दूसरा है जीरो फैथेलेमिया, कारण दूसरा रतौंधी, इसका कारण तीसरा है, ठीक। अब अगला टॉपिक आता है इनके सोर्सेस क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं। आपको अगर ये चीजें हैं तो आप किन चीजों का उपयोग करें जिससे ये आपकी चीजें क्या हो जाएं सही हो जाएं। तो इनके सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, हर चीज के लगभग सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ लोग के ज्यादा होते हैं उनको ज्यादा ध्यान रखेंगे, प्लांट से और एनिमल से। कुछ ऐसी चीजें हैं प्लांट से जो एनिमल से। तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे जो सबसे ज्यादा आपका ये पाया जाता है विटामिन, ये पाया जाता है आपका कैरेट में। इसके अलावा जितने भी आपके येलो फ्रूट होते हैं उन सब में आपका विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका एक बार क्वेश्चन आया था कि दिया था चार ऑप्शन की निम्न में से किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, आम अमरूद आपका अदर इसे करके दिया था। तो आपका आम क्या होता है येलो फ्रूट होता है, तो आपकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है पीले फलों में, इसके अलावा आपके गाजर में। इसके अलावा आपके कुछ और एलिमेंट है जैसे आपका मेथी हो गया, पालक हो गया, आपका बनाना हो गया, इन सब में भी क्या होता है इसकी क्वांटिटी विटामिन ए की क्वांटिटी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद ये आते हैं आपका एनिमल में, तो एनिमल में देखा होता है हम लोग विटामिन ए की गोलियां खाते हैं छोटी छोटी, उसमें क्या होता है फिश ऑयल होता है, कहते हैं मछली के तेल की गोली है, वो आपका विटामिन ए के क्या करते हैं
पूरा करते हैं। इसके अलावा आपका जितना भी डेयरी प्रोडक्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट, अब डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सी चीजें आती हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सारी चीजें किसमें आती है, डेयरी प्रोडक्ट। तो इतनी सारी चीजें आपके क्या करती है, विटामिन ए में को पूर्ण करने में मदद करती है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माँ के दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे जो माँ का दूध होता है, माँ के दूध में आपका विटामिन ए एंड विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये बहुत कार्य से याद रखेंगे। तो जो आपका माँ का दूध होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन सी की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखेंगे, आजकल जो चल रहा है कोरोना, कोरोना में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन के टाइम आपको विटामिन ए दिया जाता है। ठीक, वैक्सीन के साथ ये मिक्स रहता है, वैक्सीन के साथ आपको क्या दिया जाता है, विटामिन ए दिया जाता है, विटामिन ए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ताकि आपके शरीर में जो आपका वैक्सीन, जो आपका वायरस जा रहा है, ये इसके प्रति विरुद्ध अक्रिया न करते, इसके लिए आपका वैक्सीन विटामिन ए के साथ, विटामिन ए वैक्सीन के साथ दिया जाता है। बाकी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका वर्क क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ WBC, ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा देखने का, देखते हैं किससे, आंखों से, आंखों में दो प्रजाति सेल पाई जाती है, कौन सेल्स और रॉड सेल्स, कौन सेल्स आपके उजाले समय काम करती है, रॉड सेल्स आपके रात के समय काम करती है, कौन सेल्स जो होते हैं व्हाइट और ब्लैक को आपको पहचानने में मदद करती है, जबकि रॉड सेल्स आपके कलर को पहचानने में मदद करते हैं। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो ऑप्शन होती है और रेडॉक्शन होती है। तो आपका रेडॉक्शन जो वो होती है आपका प्रोटीन, ये आपके फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, आंसू बनाने में मदद करती है। उसके बाद आपके बीमारियां कौन कौन सी होती है विटामिन ए की कमी से, तो आपका होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। सेकेंड होती है जीरो फर्टेलेमिया, इसमें क्या होता है आंखों में सूखापन आ जाता है, मतलब टीयर्स की कमी हो जाती है। थर्ड होता है कोरोनियम सिरोसिस, इसमें क्या होता है कार्निया आपका डिफेक्ट हो जाता है, जिससे आदमी अंधा हो जाता है। सोर्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट में क्या होता है आपका कैरेट होता है, येलो फ्रूट जितने होंगे, मेथी, पालक और बनाना में। इसके अलावा एनिमल में क्या होता है, फिश ऑयल और आपका डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन आता है, तो आप लिखेंगे ए एंड सी। और वैक्सीन के समय आपका कौन सा विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए। इसे विटामिन ए को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें सॉल्व ले रहे हैं आप लोग, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो अब पढ़ेंगे आपके दूसरे विटामिन के बारे में, वसा में घुलनशील। तो दूसरा वसा में घुलनशील आपका विटामिन है विटामिन टी। ठीक, सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। ठीक, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेराल। नाम इसका पता है कैल्सी, कैल्सी मतलब कैल्सियम, मतलब ये कैल्सियम इसमें पाया जाता होगा। आपका कैल्सियम किसके लिए आवश्यक है, तो आप लोगों को याद होगा आपका कैल्सियम जो होता है आपके बोन फॉर्मेशन के लिए और आपके टीथ के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है आपका कैल्सियम और फास्फेट। फिर नेक्स्ट है, इसकी खोज किसने की थी, विटामिन ए और एक चीज याद रखना, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलम ने की थी। ठीक, आपका विटामिन डी की खोज, तो इसमें ज्यादातर हम लोग नाम सुना होगा ए हॉपकिंस का, लेकिन एक वैज्ञानिक थे मैलन बरी, MELN मैलन बरी, और दूसरे हैं हॉपकिंस, दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है इसके खोजकर्ता। तो मैलन बरी और हॉपकिंस को आपका विटामिन ए विटामिन डी के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, ये आपका विटामिन कहाँ पाया जाता है, तो कई लोग सुना होगा आप लोगों ने कि कहते हैं विटामिन डी इनको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ऐसा नहीं होता। विटामिन डी आपके सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, वो हमारी जो ये स्किन्स होती हैं इनके अंदर ऑलरेडी रहता है, स्टोर रहता है। जब विटामिन आपका सूर्य का प्रकाश मिलता है तो उसको इसको एक्टिवेट कर देता है, तो वो प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है विटामिन डी का शरीर में। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन ए हमेशा आपकी स्किन में रहता है।
और जब आपके प्रकाश की मात्रा इस पर पड़ती है तो ये आपका विटामिन शरीर में मुक्त होकर अपना कार्य करने लगता है। ठीक है, तो जो आपकी स्किन होती है, स्किन की ऊपरी परत में एक पाई जाती है फाइटी लेयर, फाइट पाई जाती है, उस फाइट में आपका विटामिन डी पाया जाता है, उस फाइट का नाम है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये जो विटामिन होती है आपके क्या होती है, ऐसे करके आपकी लेयर होती है, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे करके विटामिन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल रहता है और इसमें विटामिन डी क्या होता है, संचित रहता है। तो ये आपका जो फैट होती है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जब प्रकाश पड़ता है तो वो इस विटामिन डी को क्या कर लेती है, विटामिन डी को कन्वर्ट कर देती है, आपके इस डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी। ठीक, आपकी वसा यहाँ रहती है और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये आपकी वसा जो होती है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल या ये कन्वर्ट हो जाता है आपका विटामिन डी। ठीक, तो आज से याद रखेंगे आप लोग, विटामिन आपको सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता है, बदले में उसके अपोजिट होता है आपका डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो आपका फैट होती है ये आपके विटामिन, जो इसको सूर्य का प्रकाश विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें हमने बताया था कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हमने बताया था कैल्शियम सी ए प्लस प्लस एलिमेंट पाया जाता है। क्या करता है, तो आपके बोन का फॉर्मेशन करता है, आपके टीथ का फॉर्मेशन करता है, इसके अलावा अलग अलग कई चीजों का फॉर्मेशन करता है। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ये वाला, आपको क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक होता है ग्रंथि होती है, अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां पड़ा होगा वहीं पे आपकी एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं पीटीएच, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, उसमें आपका हार्मोन निकलता है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन के आपके पैराथायराइड हार्मोन के निर्माण में ये क्या करता है, मदद करता है आपका विटामिन डी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है आपके किसमें, पैराथायराइड हार्मोन के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपका, ऐसा कौन सा तत्व है जो विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है, तो आप लोग याद रखेंगे सेलेनियम, सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके विटामिन डी के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। उसके अलावा आपका विटामिन आगे जाके दो प्रकार का हो जाता है, जो विटामिन डी है ये बढ़ जाता है दो ग्रुपों में, एक होता है डी वन, एक होता है डी टू, डी वन नहीं, डी वन तो वो वही होगा, डी टू और डी थ्री। अब इनके रासायनिक नाम भी अलग हो जाते हैं, एक का नाम हो जाता है इर्गो कालसीफेरॉल, ठीक, इर्गो कालसीफेरॉल, और दूसरा हो जाता है आपका कॉलीकैल्सिफेरॉल, सी ओ एच एल ई कॉली कैल्सिफेरॉल। ठीक, तो आपका विटामिन आगे जाके कितने भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, और फिर ये दोनों विटामिन मिल करके क्या करते हैं, आपके बोन को जो हड्डियां होती हैं उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको क्या देते हैं, ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, STRENGTH, स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, ताकत देने का काम कौन करता है, आपका डी वन और डी टू मिलकर, मतलब संयुक्त रूप से विटामिन डी, और ये आपका क्या करता है, तो ये आपका रिगेटी कर देता है, वी जी आई आर टी आई रिगेटी, ठीक, रिगिडिटी आर आई जी आई डी टी वाई, रिगिडिटी मतलब होता है कठोरपन, जो आपकी हड्डियां कठोर होती है वो इसी के काम होती है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियां क्या हो जाती है, लचीली हो जाती है, इसीलिए कुछ लोगों को देखा होगा वो अपनी कमर से क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी से, वो किस काम से, उनके शरीर में विटामिन डी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
अब आप क्या हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग डिसीज, ठीक। तो विटामिन डी की कमी से सबसे पहला रोग होता है जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, रिकेट्स, ठीक। कौन सा रोग? रिकेट्स। इसे कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। कुछ बच्चे देखता होगा उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, एकदम पतली, शरीर ऐसा लगेगा कि जाने वाले हैं ऊपर। तो इसमें होता क्या, इसमें जो बच्चा होता है उसकी बोन्स क्या हो जाती है, जो हड्डियां होती हैं ये हो जाती है वीक, बोन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके अलावा उसमें स्ट्रेंथ जो होती हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, जो ताकत होती है उनकी इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके अलावा आपका जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, ये भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और आपकी जो नी होती है वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये सारी हड्डियां आपके शरीर की क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरा रोग होता है जिसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक। ऑस्टियोमलेशिया स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे आगे पीछे होगा आपको तो, ठीक। तो इस ये भी क्या होता है, ये भी इसमें भी हड्डियां की जो होती हैं बोन्स क्या होती हैं, वो वीक हो जाती है। बस दोनों में अंतर क्या है, ये आपका 18 प्लस से ऊपर वाले लोगों को होता है। अगर यही बीमारी 18 से ऊपर वालों को हो जाए तो उसे नाम दिया जाता है ऑस्टियोमलेशिया, और अगर 18 से नीचे वाले को हो जाए तो उसे नाम दिया जाता है रिकेट्स, ठीक है, क्लियर है ना। और इससे क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं मतलब जो जवान लोग होते हैं, हमने बताया था अभी, क्या बैक बोन उनकी क्या हो जाती है, बैक बोन बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, कहीं ऊपर निकल आता, कहीं हड्डी निकल आती, कहीं झुके जा रहे हैं, ये सब किसके कारण होता है, आपके ऑस्टियोमलेशिया के कारण। एक और होता है आपका बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस इसमें क्या होता है, आपकी जो बोन होती है इससे बोन बनती है, इनके बीच में ऐसे ऐसे छिद्र हो जाते हैं, ठीक, मतलब हड्डियां छह भंगूर हो जाती है, किसी भी समय थोड़ा सा गिरे, एक जीनस गिरे लुढ़क के बस हाथ टूट गया, कहीं पैर टूट गया, ठीक। वो किसके कारण होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। तो ये आपकी होने वाली है विटामिन डी से बीमारियां, ठीक। इसके अलावा एक दो नंबर के और क्वेश्चन जो आते हैं उनको देख लें। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके शरीर में किस विटामिन की सबसे तेज मात्रा में निर्माण होता है, तो याद रखेंगे सबसे तेज बनने वाला विटामिन, सबसे तेज आपके शरीर में बनने वाला विटामिन, बहुत तेजी से बनता है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, ठीक। तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन, तो आप देखेंगे कौन सा विटामिन होता है आपका, विटामिन डी, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है, विटामिन डी को दूसरा नाम दिया जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है ना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। जैसे विटामिन के को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, ऐसे विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक, क्लियर सबको। चलिए अब इनका आ जाता है सोर्स क्या होता है, ठीक, ये पाए कहां जाते हैं, सोर्सेस, ये यहां लिख देते हैं सोर्सेस, ये पाए कहां जाते हैं, विटामिन डी जो आपका है वो पाया कहां जाता है, तो आपका जो चिकन होता है, ठीक, इसके अलावा लीवर कॉर्ड होता है जो मछलियों का, जो पल्सेस होती हैं, ठीक, इसके अलावा जो एक सोर्स होता है सनलाइट, ठीक, यहां पे ये क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा एक और लिख सकते, दो लिख सकते हैं, फिश ऑयल, आपका जितने समुद्री जीव होते हैं लगभग सब में विटामिन डी क्या होता है, पाया जाता है। तो ये हो गया आपका विटामिन डी, तो ये फिर से पढ़ लें एक बार, विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैसे पैदा होता है, इसकी खोज मैरियन बरी और हॉपकिंस ने की थी, ठीक। ये आपके कहां पाया जाता है, तो विटामिन डी आपके स्किन में पाया जाता है, तो स्किन में आपके एक पार्ट पाई जाती है डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये क्या करती है, ये आपका विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। आपके विटामिन डी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सीए प्लस कैल्शियम तत्व पाया जाता है, जो आपके बोन्स और टीथ फॉर्मेशन में मदद करता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका पाइराथायराइड हार्मोन के
फॉर्मेशन में और उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है, बायो कैटालिसिस के रूप में कार्य करता है। इस विटामिन डी में एक तत्व पाया जाता है जो सेलेनियम होता है। विटामिन डी आपका दो प्रकार का होता है, D2 और D3, एगो कैल्सिफेरॉल और कॉली कैल्सिफेरॉल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बोन को स्ट्रेंथ देते हैं, बोन को ताकत देते हैं और रिजिडिटी देते हैं, उसको बोन को कठोर बनाते हैं। आपका सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है, विटामिन डी। ठीक, शरीर में सबसे ज्यादा बनने वाला विटामिन कौन होता है, विटामिन डी। उसके बाद होता है आपका बीमारियां, तो डिसीज तो आपसे सबसे पहली बार में क्रिकेट्स या सूखा रोग, ये क्या होता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, बोन कमजोर हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फीमर और आपका नी भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बीमारी होती है ऑस्टियोमाइलेसिस, इसमें बोन कमजोर होती है, लेकिन ये बीमारी हमेशा क्या होती है, एडल्ट में होती है, आपका 80+ लोगों में होती है। इसमें क्या होता है, बैकबोन क्या होती है, बेंड हो जाती है। नेक्स्ट होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियों के बीच में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं जिसके कारण हड्डियां जल्दी टूट जाती है। ठीक, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर लें, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, कल हम लोगों ने देख लिया विटामिन आपका ए और विटामिन डी के बारे में, अब देखेंगे विटामिन ई और विटामिन के बारे में। ठीक, तो दोनों एक साथ देख लिया, चलते हैं। विटामिन ई जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्यूनोन। ठीक, तो आपका जो विटामिन ई होता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, जितने भी आपके ऑयल सीड होते हैं, जितने भी ऐसे सीड जो आपका क्या देते हैं, तेल का प्रोडक्शन करते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, आपका विटामिन ई पाया जाता है। जैसे आपका हो गया मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, आपका ग्राउंड नट, मूंगफली। ठीक, जितने भी आपके ऐसे सीड जो आपके क्या करते हैं, आपके तेल का प्रोडक्शन करते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के में आपका होता है ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां। ठीक, वेजिटेबल, सुगर रूट मतलब चुकंदर। इसके अलावा आपका होता है नॉन वेजिटेबल में आपका मीट आ जाएगा। ठीक, और आपका आ जाएगा एक दो चीजें और आती हैं आपका, जैसे लिख लेंगे एक और मेथी। ठीक, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। फिर नेक्स्ट चीज देखेंगे आपका विटामिन, जो ये होता है इसमें कोफैक्टर के रूप में एक एलिमेंट पाया जाता है, को फैक्टर एक सहकारक पाया जाता है, जो विटामिन क्या करता है, ई के संश्लेषण में मदद करता है, सहकारक पाया जाता है, वो कौन सा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपका विटामिन डी में पड़ा था सेलेनियम, सेलेनियम ये सहकारक के रूप में कार्य करता है, ये क्या करता है, ये आपके विटामिन ई के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद इसे थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन थोड़ा सा, क्योंकि आपका ज्यादा सा किसे कहा जाता था, विटामिन ए को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। ये क्या करता था, आपके शरीर को बीमारियों से बचाता था। दूसरी चीज याद रखेंगे, जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होगा वो एंटी कार सी एंटी कार सी जनिक मतलब एंटीकॉसिजेनिक होगा। एंटीकॉसिजेनिक क्या होता है, वो आपके एंटीकॉसिजेनिक आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके कैंसर उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को मारते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका एंटी कार्सिनोजेनिक भी होता है और एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है थोड़ी सी मात्रा में। ठीक, ये क्या करता है, ये आपकी स्किन को, जो स्किन होती है इसको ग्लो करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा न्यू स्किन जितनी होती है, नई स्किन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, नई स्किन बनाता है, नई आपकी स्किन बनाएगा और आपके उसके ग्लो करने में मदद करेगा। अब होता है इनका वर्ग क्या होता है,
देख लेते हैं वर्क, विटामिन ई का वर्क क्या होता है। तो वर्क आपका लिखा ही है, वर्क क्या कर रहा है आपका, स्किन को ग्लो कर रहा है, इसके अलावा दूसरा कर रहा है न्यू स्किन को कर रहा है, इसके अलावा आपके ये जो होता है आपके टिश्यूज को, जो टिश्यू होते हैं उनके उनको क्या कर देता है, हेल्दी कर देता है, स्वस्थ कर देता है, जिससे आपकी स्किन क्या करती है, चमकने लगती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डिसीज के बारे में, डिसीज जिससे कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले इससे अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो शरीर में एक चीज आएगी, अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग क्या होता है, तो कहा जाए बुढ़ापा। ठीक, समझ में आई बात। अगर बूढ़े होने से बचना है तो आपको विटामिन ई खाना पड़ेगा। क्या खाएंगे, आपका ऑयल सीड खाएंगे, जितने भी तेल वाली चीजें उनको खाएंगे, नहीं तो बाबा जी से लटके हुए करते हुए घूमते हुए दिखेंगे। समझ में आएगा। इसके अलावा दूसरी बीमारी होती है तो मनुष्य में होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसकता, किसमें होती है, मेल में। अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो आप कभी पप्पा नहीं बन सकते हैं। तो आप लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे इस विटामिन की कमी शरीर में ना होने पाए। इसके अलावा दूसरा हो जाता है स्ट्राइल, मतलब बांझपन। किसमें हो जाता है, तो ये होता है आपका फीमेल में। ऐसी स्त्रियां जिसमें विटामिन ई की कमी हो जाएंगी वो कभी मां नहीं बन सकती हैं। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे, याद रखेंगे, इसको आपका ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके शरीर की सुंदरता बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। याद रखेंगे एक ब्यूटी बोन भी होती है जो आपको क्लेरिकल होती है, ये वाली बोन यहाँ पे, इसको आपका ब्यूटी बोन कहा जाता है। वैसे ये आपका ब्यूटी विटामिन होता है। उसके बाद आपका आ जाएंगे हम विटामिन के में। तो विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है। ठीक, कहाँ बनता है, ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में, सोर्सेज में। एक चीज और याद रखेंगे, विटामिन जो आपका ये होता है कहाँ बन रहा है, आपके शरीर में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, शरीर के किस भाग में बन रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो बनता है विटामिन, विटामिन के बनता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में बनता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के मतलब बड़ी आंत के आपके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, तो याद रखेंगे आपका CAEUN, सीकम दूसरा होता है, कोलन तीसरा होता है, रेक्टम। ठीक, तो बड़ी आंत अभी पाचन पढ़ेंगे, वहां भी आप लोग पढ़ेंगे। तो बड़ी आंत में तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो आपके इस कोलन वाले भाग में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है एस्चेरिया कोलाई, जो आपका क्या होता है, सहजीवी होता है। ठीक, सहजीवी हमने बता रखा, वे जीव जो आपके शरीर से भोजन लेते हैं, बदले में आपको विटामिन प्रोवाइड कराते हैं, आपको पोषक तत्व प्रोवाइड कराते, वो होते हैं सहजीवी। तो आपकी बड़ी आंत में यहाँ से तीन क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आंत के भाग पार्ट कितने होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। आपके शरीर में कौन सा किस भाग में पाया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका पाया जाता है। क्या आपका एस्चेरिया कोलाई, ये क्या है, सहजीवी है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में विटामिन के का प्रोडक्शन करता है, बदले में हमसे आपका अपशिष्ट पदार्थ लेता रहता है। ठीक, आगे लिखेंगे एक और विटामिन होता है, ये विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में देता है इस एस्चेरिया कोलाई, कौन सा विटामिन, विटामिन के, एवं इसके अलावा कुछ मात्रा में आपका विटामिन B12 का भी ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। दो क्वेश्चन याद रखेंगे, आपके शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, तो विटामिन के। ठीक, कहां से बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक, और विटामिन B12। अब होता है इसका वर्क, काम क्या करता है विटामिन, विटामिन के क्या काम करता है, तो भैया ये एक ऐसा विटामिन है जो आपका ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, रुधिर का थक्का जमाता है ये। ठीक, तो
ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है आपका, विटामिन के मदद करता है। तो आएगा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हृदय का धक्का नहीं बनता है। ठीक, अब आएंगे इनकी डिसीज क्या हो जाएंगे, तो बस एक चीज हो जाएंगी। ठीक, क्या होता है आपका ब्लड क्लॉट क्या होगा, नहीं होगा ब्लड क्लॉट, सीधे देखते हैं रुधिर का थक्का नहीं बनता, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, याद रखेंगे। ठीक, तो विटामिन आपकी के की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज होगी, आपके रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। ठीक, अब ये याद रखना, एक जिंटिक्स बीमारी भी होती है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इसमें भी क्या होता है, आपके रुधिर का थक्का नहीं बनता है, लेकिन याद रखेंगे ये एक आपका जेनेटिक्स बीमारी है, ये आपका अनुवांशिक बीमारी है, ये आपके इससे विटामिन डी की कमी से नहीं होने वाली बीमारी है, इसको शाही बीमारी भी कहा जाता है हीमोफीलिया को, क्योंकि ये आपकी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के परिवार में देखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है, रॉयल डिसीज मतलब शाही बीमारी, या क्रिस्टमस डिसीज भी कहा जाता है। ठीक, तो इतना हो गया आपके विटामिन, इसके बारे में विटामिन के बारे में। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, विटामिन ई, तो विटामिन ई का आपका रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल, ये कहाँ पाया जाता है, जितने भी आपके ऑयल सीड्स होते हैं उन सब में ये पाया जाता है, इसमें कोफैक्टर के रूप में एलिमेंट पाया जाता है, जिसे कहा जाता है सेलेनियम, इसे एंटीऑक्सीडेंट, कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है, ज्यादा मात्रा में नहीं कुछ मात्रा में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आपके विटामिन ए को ध्यान रखना, ज्यादा मात्रा आपका जो होता है विटामिन ए सबसे ज्यादा क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो एंटी कार्सिनोजेनिक होगा, मतलब आपके कैंसर उत्पन्न करने वाले रोगों को वो मारने में मदद करेगा। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, टिश्यू का हेल्दी बनाता है, स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, और नई स्किन का क्या होता है, नई त्वचा का आपका फॉर्मेशन करता है। काम डिसीज कौन सी होती है, अर्ली एज, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, समय से पहले कुछ लोग बूढ़े लगते हैं, कुछ बच्चे बूढ़े लगते हैं, उनमें यही होता है। इनफर्टिलिटी किसमें होती है, मेल में, वो बाप नहीं बन सकते, महिलाएं क्या होती है, कभी माँ नहीं बन सकती, इसे विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। फिर आता है विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलो क्यूनोन सोर्स ग्रीन वेजिटेबल शुगर रूट मीट एगा मेथी, आपका ह्यूमन बॉडी में बनने वाला विटामिन है, कहाँ बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में बनता है, कोलन में, कौन सा जीवाणु बनाता है, सीरिया कोलाई, जो आपका सिम्बायोटिक है मतलब आपका सहजीवी है, क्या बनाता है, विटामिन के ज्यादा मात्रा में, कुछ मात्रा में विटामिन बी वाला, ये क्या करता है, आपके ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। इसके अलावा आपकी एक बीमारी है हीमोफीलिया, जो आपकी अनुवांशिक बीमारी है, इसमें भी क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता, इसे रॉयल डिसीज या क्रिस्टमस डिसीज कहा जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, विटामिन बनने का क्रम, शरीर में विटामिन सबसे ज्यादा कौन विटामिन बनता है, तो विटामिन डी, उसके बाद आता है विटामिन आपका के। ठीक, तो शरीर में सबसे ज्यादा बनने वाला विटामिन डी, उसके बाद के, और इसके बाद बी 12, याद रखें ऐसा क्रम होता है। ठीक, एक चीज और आपका हम बता रहे हैं कि आप एक वर्ड याद रखेंगे, रासायनिक नाम याद करने का तरीका, रथ पर एक टॉफी, इससे आपके कुछ रासायनिक नाम कुछ हद तक जल्दी याद हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे पर से कुछ मतलब नहीं है हमको, पर आपका क्या है, साइलेंट, एक रथ है उसके ऊपर क्या रखी है, एक टॉफी रखी है। ठीक, टॉफी तो सबको पसंद है ना, वही टॉफी रखी है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, रथ से क्या रखे, ये ए बी सी डी ई के। ठीक, तो ए का रासायनिक नाम रस से शुरू होता है रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फ्लिकोक्यूनॉन। तो आप लोग वर्ड क्या याद रखेंगे, दो वर्ड याद रखना आपको, एक जल में घुलनशील विटामिन कौन सा था, तो आपका वसा में घुलनशील विटामिन था कीड़ा, बाकी जल में घुलनशील बी एंड सी, दूसरा रथ पर एक टॉफी, ये आपके हो गए वसा में घुलनशील विटामिन, बाकी आपके जल में घुलनशील विटामिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले फिर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, जय हिंद।